नमस्कार, रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, तो इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पहला आंसर होगा ए। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? उत्तर होगा कुत्ता, यानी बी, दूसरा का बी। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? इसका उत्तर होगा उच्च पुरापाषाण, यानी अपर पैलियोलिथिक, सी। चौथा प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल, बी। चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर बताइए, उत्तर होगा सी, तांबा। छठा प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? उदाईन या उदाई भद्र, सी होगा आंसर। सातवां प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? उत्तर होगा सी, गेहूं। आठवां प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? इसका उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा संस्कृति के संबंधित हैं, हड़प्पा के उत्खनन संबंधित? उत्तर होगा दयाराम सहनी, क्या होगा? दयाराम सहनी। दसवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास में किस काल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ग्यारहवां सवाल देखिए, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, डी, ग्यारहवां का डी। बारहवां प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर, कौन सा कथन सत्य असत्य है? देखिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, यह भी ठीक है। सुतकोडरा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, यह भी ठीक है। लेकिन अंतिम जो लाइन है वह ठीक नहीं है, डी होगा इसका आंसर। तेरहवां प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, क्या होगा? मोहनजोदड़ो, पशुपति की मुहर मिली थी। तेरहवां के बाद चौदहवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका उत्तर होगा लोथल, गोदीबाड़ा मतलब एक प्रकार का बंदरगाह। पंद्रहवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर भी होगा मोहनजोदड़ो, ग्रेट ग्रेनरी प्राप्त हुआ था विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से। सोलहवां प्रश्न है, कौन सा जोड़ी असत्य है? तो इसका आंसर ए होगा, हड़प्पा सिंधु घाटी के किनारे नहीं था बल्कि रावी नदी के किनारे था, बाकी सब सही है। सत्रहवां सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है यानी वो पीरियड क्या है? बी होगा इसका आंसर, 2500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आइए अठारहवें प्रश्न पर चलते हैं। अठारहवां प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, यानी गुप्त काल, गुप्ता एम्पायर से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, तो इसका आंसर होगा ए। 20वां प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, यानी भारत में जब आर्य आते हैं तो वे कहाँ बसते हैं सबसे पहले? तो इसका उत्तर है ए, सप्त सैंधव प्रदेश, आज के समय में जो पंजाब का क्षेत्र है लगभग वही इलाका था। और उसके बाद प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था यानी कि वो कहाँ से आए थे? इसका उत्तर होगा एशिया माइनर। 21वां प्रश्न है, उसका उत्तर होगा बी, एशिया माइनर। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 22वां सवाल आ रहा है, ध्यान से देखिए, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? यानी कि चार वेद के नाम दिए गए हैं नीचे, उन चारों वेदों में से कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इसका उत्तर होगा, बताइए आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, ए, ऋग्वेद, इसका उत्तर होगा ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब अगला प्रश्न यानी 23वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, इसका उत्तर होगा बी। आइए अब 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर 24वां प्रश्न आ गया है। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित है?
यानी नवा मंडल किन किस देवता को समर्पित है? विकल्प हैं सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। इसका उत्तर होगा ए सोम। इसका क्या उत्तर होगा? ए सोम। तो 24वां प्रश्न का उत्तर होगा सोम। अब देखिए 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 25वां प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। बहुत आसान सवाल है, प्राचीनतम वेद ओल्डेस्ट वेदाज कौन सा है? उत्तर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 25 का आंसर ए होगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ध्यान से देखिए 26वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 26वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है वो प्रजापति को मिला था। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में यानी कि इंद्र के बहुत महान देवता के रूप में वैदिक काल में देखे जाते थे। उनकी चर्चा 250 बार से भी अधिक बार हुई है, लेकिन उत्तर वैदिक में आते आते यह जो स्थान था देवता का स्थान कौन प्राप्त कर लिया? प्रजापति ने। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 26 का उत्तर होगा बी। 27वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिए, चार कथन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक कथन असत्य है। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से चार वर्णों में विभाजित हो गया था। पहला कथन ठीक है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था, यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन है वह है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी। नहीं, ये गलत है, यानी इसका उत्तर होगा सी। चौथा भी एक बार पढ़ ही लीजिए, भारत और लोहे का प्रयोग का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा से मिला था। यह अच्छा फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसका उत्तर होगा सी। 27 का उत्तर होगा सी। 28वां प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न है, आपको मिलान करना है। वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, स्वात और डी है विपाशा व्यास। तो इसका आंसर होगा सी। सी गलत है, शतुद्री का सतलज होगा, बाकी सब सही है। ये जो मिलान करने वाला बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब मिलान करने के लिए आए तो उसमें कम से कम दो प्रश्न आपको आने चाहिए, तभी आप मिलान सही से कर पाएंगे। ये देखिए 29वां प्रश्न आ रहा है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ठीक है, इसको चंपू शैली भी कहते हैं, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में जब किसी की रचना की जाती किसी ग्रंथ की, तो इस क्रम में वेद कौन सा वेद है जो दोनों ही विधियों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों विधा में लिखा है? तो इसका उत्तर होगा बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको गद्य और पद्य दोनों मिलेंगे। तो 29वां प्रश्न है जिसका उत्तर होगा बी। आइए आज का अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं, 30वां प्रश्न। यह भी मिलान करने वाला प्रश्न है। एक तरफ महाजनपद का नाम है और दूसरे तरफ राजधानी का नाम है। तो एक तरफ है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही है। चेदी का पोटली नहीं होगा, चेदी का होगा शक्तिमती या सुक्तिमती। तो इसका आंसर यानी प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा बी। बाकी के दो विकल्प भी देख लेते हैं। मगध का गिरिब्रज ठीक है, गिरिब्रज या राजगीर, मल कुशीनगर या कुशावती ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप लोग खूब अभ्यास कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।